हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में इफेंट्रेक्स सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। इफेंट्रेक्स सिरप का मुख्यतः उपयोग सूखी खांसी की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये सिरप कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इस सिरप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस सिरप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको स्टूडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये 100 ml का सिरप आपको मेडिकल स्टोर पर 96 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। बात करते हैं सिरप में मौजूद कंटेंट के बारे में। इफेंट्रेक्स सिरप में डेक्स्ट्रो मिथरोफेन, हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, क्लोफेनामाइन IP 2 mg, फेनिलेफ्रिन IP 5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद फेनिलेफ्रिन यह एक नेजल डी कॉन्जेस्टेंट है। यह अल्फा रिसेप्टर को उत्तेजित करके काम करता है। इसकी वजह से बंद नाक और सांस लेने में परेशानी कम होती है। क्लोरफेनिरामाइन यह बॉडी में मौजूद उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो नाक बहने, छींकने, जलन, एलर्जी का कारण बनते हैं। एक्सोमेथोरोफेन यह एंटी टेसिव ड्रग के क्लास में आता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कफ केंद्र पर काम करके कफ को दबाने में मदद करता है जिससे खांसी में राहत मिलती है। बात करते हैं सिरप के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस सिरप का उपयोग सूखी खांसी की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इसे सर्दी, जुकाम, नाक बहने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे गले में खराश होने की समस्या, खांसी से गले में सूखापन या खराश होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। सिरप का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस सिरप का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सिरप के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस सिरप का डोस उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। याद रखें दोस्तों, इस सिरप का डोस आपके समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस सिरप का डोस भी ज्यादा होगा। यदि आपकी समस्या कम हो तो इस सिरप का डोस भी कम होगा। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये सिरप 5 ml दिन में 2 से 3 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस सिरप के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस सिरप के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, अपचन, दस्त, सुस्ती आना, सिर दर्द ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते। प्रिकॉशन, इस सिरप को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस सिरप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस सिरप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस सिरप का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य सिरप, मेडिसिन, टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस सिरप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं इस सिरप इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस सिरप के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। इस सिरप को यूज करने से पहले इसे अच्छी तरह से शेक करें, इस सिरप को अच्छी तरह से हिलाए और बाद में यूज करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माई फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।